कि जब बिहार शराब मुक्त नशा मुक्त प्रदेश है और यहाँ शराब बेचना शराब पीना दोनों जो है कानूनन अपराध है। शराबबंदी का असर ही है इतना लोग अगर आज से 6 साल पहले अगर हम लोग एक जगह इकट्ठा होते, लेकिन आज आप देख लीजिए मुंह सूख करके यहाँ पर एक भी आदमी अगर शराब नहीं पिया है, यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। सर अभी करोड़ों करोड़ रुपए बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए खर्च किए और इसी शराबबंदी कानून ने कई दफे बिहार के सरकार की फजीहत कराई और कटघरे में नीतीश सरकार खड़ी रही। जहां विपक्ष में तेजस्वी यादव रहे थे उस दौरान भी शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और अब भारतीय जनता पार्टी भी इस शराबबंदी कानून पर नीतीश सरकार को घेर रही है। बहरहाल बिहार में लगभग हर महीने कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति की जहरीली शराब पीने से जान चली जाती है और इसको लेकर सरकार की खूब फजीहत होती है। फजीहत के बीच अब ये तय माना जा रहा है कि शराबबंदी को लेकर सरकार के लोगों के पास भी जवाब नहीं है और यही कारण है कि जिन लोगों से भी शराबबंदी कानून और जहरीली शराब पर सवाल पूछे जाते हैं उनका जवाब अजीबोगरीब आने लगता है। इसी क्रम में बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने एक ऐसा जवाब दिया है जहरीली शराब और शराबबंदी कानून को लेकर, जिसके बाद उनके ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं और जो मदन सहनी के समर्थक हैं वो कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि जब बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी से ये पूछा गया कि बिहार में कई लोगों की जान जहरीली शराब पीने से चली गई है, तो उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और जो लोग भी शराब पीते हैं या बेचते हैं वो गैरकानूनी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ बैठे हैं और हमारे साथ जितने लोग भी आए हैं उन्होंने नशा नहीं किया, अगर शराबबंदी कानून लागू नहीं होता तो इसमें से अधिकांश लोग जो हैं वो शराब पिए रहते। आप लोगों का एक एक व्यक्ति का मुंह सूंघ लीजिए, किसी के भी मुंह से शराब की बदबू नहीं आएगी। तो निश्चित तौर पर जो बातें मदन सहनी ने कही वो यही लगता है कि अगर बिहार में शराबबंदी कानून लागू नहीं होता तो जो मदन सहनी के समर्थक हैं, जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, वो टूल रहते। सुनिए मदन सहनी क्या कुछ कह रहे हैं शराबबंदी कानून को लेकर। सुन लीजिए, आप जो कह रहे हैं कि जहरीली शराब, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि जब बिहार शराब मुक्त नशा मुक्त प्रदेश है और यहाँ शराब बेचना शराब पीना दोनों जो है कानूनन अपराध है, तो उसके बावजूद भी अगर कोई शराब पीते हैं या नशा करते हैं वह तो गैर कानूनी है। देखिए एक बात जान लीजिए, शराबबंदी का असर ही है इतना लोग अगर आज से 6 साल पहले अगर हम लोग एक जगह इकट्ठा होते और इस टाइम शाम के टाइम में, तो इसमें कम से कम 10% 20% लोग जरूर नशा के शिकार होते, लेकिन आज आप देख लीजिए मुंह सूख करके यहाँ पर एक भी आदमी अगर शराब नहीं पिया है, यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। सर अभी ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।